हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैशोमीट्री। बहुत ही अहम टॉपिक है। हमने जितने भी इस चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ने हैं उसमें स्टैशोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। और अगर ये स्टैशोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें आ जाती है तो किसी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी मसला नहीं होगा, यानी किसी भी न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इस स्टैशोमेट्रिक के अंदर, ये स्टैशोमेट्री के अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट एक तो हम पढ़ चुके हैं, उसको भी देखेंगे और इसको इसमें भी देखेंगे स्टैशोमेट्रिक मोल कंसेप्ट क्या होता है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। कि स्टैशोमेट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरह की जाती है और क्या रूल हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए और कौन सा मेथड करेक्ट होता है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ स्टैशोमेट्री पढ़ेंगे और एंड में हम स्टैशोमेट्रिक रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे कि इसके ज़रिए क्या क्या चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं और अगर एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है तो दूसरी क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको स्टेप वाइज पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, केमिकल रिएक्शन हाँ जी, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इजी सा सवाल है। अगर किसी भी से भी क्वेश्चन करो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सम केसेस में केमिकल रिएक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती होती। उसकी वजह ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये मिलके बना रहे हैं वाटर। अब इन दोनों के दरमियान हुआ क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़, हमें ये पता होना चाहिए। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम इसको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, मैंने क्या बताया, मैंने सिंपली बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम है। किसके अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड पर होते हैं, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जो रिएक्ट कर रही होती हैं, जो कंबाइन हो रही होती हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और उनके मिलने के रिजल्ट में एक नई चीज़ जो बन रही होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट ऑलवेज इस एरो की लेफ्ट साइड पर होते हैं और प्रोडक्ट राइट साइड पर होते हैं। समझ आ गई मेरी बात। अब देखें, हमारे पास ये जो रिएक्टेंट हैं ये टेल वाली साइड पे हैं, देखें हेड वाली साइड पे जो हमारे पास हैं वो प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट में हमने क्या कहा, हमने कहा कि रिएक्टेंट के जो वेरियस मॉलिक्यूल हैं उनके एटमों के दरमियान सिंपल अरेंजमेंट का नाम है। यानी इनके जो एटम है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें होता क्या है, ये देखो, ये हमारे पास देखें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। अरेंजमेंट किस तरह होती है, ये देखें, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब एक ऑक्सीजन के साथ, इस एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, अरेंजमेंट हो गया सिंपल। इसको नाम दे केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस दौरान जब अरेंजमेंट हो रही होती है उसमें कोई एटम मिस नहीं होता, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा, इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं कहा हमने कि कोई एटम रिमूव हो जाता है, हमने ये कहा अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में तो कोई एटम मिस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के दो हैं, इधर हाइड्रोजन भी दो एटम है, ऑक्सीजन तो दो हैं, इधर हमारे पास क्या है, एक है, एक एटम मिस हो गया। मिस तो नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसको एटमों की तादाद को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम हैं इनकी तादाद को इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, अब देखिए हमारे पास, मैं यहाँ भी टू लगाता हूँ, यहाँ भी टू लगाता हूँ, अब काउंट करें ज़रा। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, फोर, इधर भी हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, फोर, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, टू, इधर कितने हो गए हमारे पास,
इधर भी 2 हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बैलेंस हो गई। समझ आ गई मेरी बात? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उनमें सिंपल रीअरेंजमेंट होती है, वो रीअरेंज होकर एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसमें कोई एटम मिस नहीं होता। अच्छा देखो, हम लोग जब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हुए हम लोग बाज़ औक़ात रॉन्ग मेथड अडॉप्ट करते हैं। बैलेंस किस तरह करते हैं, अब देखें, ये सिंपल इक्वेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कंबाइन होके बना रहे हैं वाटर। अब कोई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो इस तरह कर लेते हैं, 1/2 कर दिया। अब देखो यहां हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 1, इधर भी 1, बराबर हो गया। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, गलत मेथड है। क्यों? उसकी वजह यह है, ये फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है, ये केमिकली पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली ठीक है, काउंटिंग के लिहाज से ठीक है कि आप काउंट करें एटमों की तादाद को, वैसे ठीक है, लेकिन फंडामेंटली या केमिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? अब आप कहें कि हमारे पास ये जी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हम आप कहें कि जी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेना है और ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल लेना है, इसके साथ रिएक्शन करना है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये जो मेथड है ये रॉन्ग मेथड है बैलेंस करने का, और अक्सर हम लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करके बैठे होते हैं। हम इक्वेशन मैंने बताया कि मैथमेटिकली आप ठीक कर लेते हैं, लेकिन फंडामेंटिकली यानी केमिकली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता और इस तरह अरेंजमेंट नहीं होती। इसको ठीक बैलेंस करने का कौन सा मेथड है? ठीक बैलेंस करने का मेथड ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ बना रहा है जी वाटर। अब यहाँ भी हमारे पास 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें, कैलकुलेशन इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, लेकिन ये फंडामेंटली करेक्ट है और वो रॉन्ग है। करेक्ट, समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखो, जब इसको बैलेंस करते हैं आप केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो एटम हैं इनकी तादाद को बराबर करते हैं, बैलेंस करने के रिजल्ट में हमारे पास एक जो कंसेप्टराइज होता है उसे हम नाम देते हैं स्टोइकोमेट्री। यानी स्टोइकोमेट्री का कंसेप्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे लागू होता है, अदरवाइज लागू नहीं होता। सबसे पहले हम स्टोइकोमेट्री को डिफाइन करते हैं, बहुत ही सिंपल वे से डिफाइन करते हैं कि स्टोइकोमेट्री होती क्या है। स्टोइकोमेट्री डेफिनेशन, बहुत इजी वे से डिफाइन कर रहा हूं, दी स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन अबाउट इट। हाँ जी, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि स्टोइकोमेट्री किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी का नाम है, और उस केमिकल रिएक्शन के बारे में जितनी भी कैलकुलेशन हम करते हैं, नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं, हम लोग उनकी अमाउंट मालूम करते हैं, उनकी स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं, इस सब को हम नाम देते हैं स्टोइकोमेट्री। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals about the quantitative relation relationship between reactants and products is called stoichiometry। मैंने क्या बताया, स्टोइकोमेट्री की दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन को एक्सप्लेन करे। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? मिकदारी रिलेशनशिप, यानी कि रिएक्टेंट की मिकदार कितना है, प्रोडक्ट की कितना बन रही है, ये जो रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, इसको जो एक्सप्लेन करती है उसको हम नाम देते हैं स्टोइकोमेट्री। दो डेफिनेशन बताई हैं, बहुत ही सिंपल सी बताई हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उसी के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं वाटर फॉर्मेशन वाली जो हमने अभी एक्सप्लेन की है,
कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कौन सी होती हैं। अब देखें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन होके बना रहे हैं वाटर। मैंने इसको बैलेंस किया, जैसे बैलेंस किया स्टोइकोमेट्री का कंसेप्ट इस पर अप्लाई हो गया। अब ये जो बैलेंस के लिए मैंने आगे डिजिट लगाए हैं, इस डिजिट का नंबर है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहां स्टोइकोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां वन होता है, यहां टू है। अब इसके इसके हमारे पास मोल रेशियो बनाए, हमारे पास देखें कि टू इसके टू मोल है, इसके वन मोल है, इसके कितने मोल हैं टू। कैसे पता चला? ये जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है वही उसका मॉलिक्यूल होता है, वही उसके मोल होते हैं। अब यहां पे देखेंगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वन, और यही वन इसका मॉलिक्यूल है और वन ही इसी का मोल है, बराबर होते हैं ये दोनों। अब यहां वाटर कितने मोल बन रहे हैं हमारे पास, टू मोल। समझ आ गई मेरी बात? अब देखें इसमें हम लोग रेशियो भी बना सकते हैं, इनके दरमियान रेशियो बना सकते हैं। कि कैसे रेशियो बना सकते हैं, कि रेशियो जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है ये हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ले भी सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या आएगी हमारे पास? देखें ये है कि टू रेशियो ये वन, आंसर क्या आएगा? टू आएगा। और प्रोडक्ट भी कितना है? टू है, दोनों बराबर आते हैं। ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है, इसे स्टोइकोमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग इसके जरिए मैथ्स भी मालूम कर सकते हैं, इसका देखें इसका मैथ्स भी मालूम कर सकते हैं। अब देखें इसका मैथ्स कैसे मालूम कर सकते हैं, वेट कैसे मालूम कर सकते हैं? आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मैथ, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मैथ। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ मोल इसके कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल है टू, और मोलर मैथ कितना है हमारे पास, एक हाइड्रोजन का एक होता है और दो का कितना हो जाएंगे, दो, और आंसर क्या आएगा जी, 4 ग्राम। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ये वेट था इसका, वेट यानी कि मास। अब देखिए इसका कैसे आएगा जी, वन वन इसके मोल है, और हमारे पास इसका मास कितना है, 32। ये आंसर कितना आएगा, 32 ग्राम। और इसका मास कितना आएगा, हाँ जी टू इसके मोल है, 18 इसका मास है, और ये आंसर आ जाएगा जी 36 ग्राम। अब देखें इसमें देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन मिल रही है और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है और 36 ग्राम वाटर बन रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया हुआ है, इसलिए जितना मास इसका है जितना मास इसका है ये दोनों कंबाइन हुआ है, टोटल मास मिलके वाटर का बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो चेंज नहीं है उसमें, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी ओबेड इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्री के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो होता है वो ओबे होता है। कैसे होता है? मैंने क्योंकि बताया है केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटमों की रीअरेंजमेंट होती है, एटम इसमें कोई रिमूव नहीं होता, इसमें कोई एटम ऐड नहीं होता नया। समझ आ गई मेरी बात? तो ये क्योंकि इनमें रीअरेंजमेंट हुई है इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता। इसको नामते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शुड बी कंजर्व, ये कंजर्व है। दीज आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। और इसी के जरिए हम नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई? अब इसी की स्टोइकोमेट्री इसकी इसकी अलग ले सकते हैं, इसकी अलग ले सकते हैं हम लोग, अब इसकी भी अलग ले सकते हैं हम लोग, इसकी दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इसके मोल गिवन हो, इसकी अमाउंट गिवन हो, हम इसकी अमाउंट मालूम कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज गिवन हो हम दूसरी चीज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एंड में हम डिस्कस करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप कौन से होते हैं, कौन से रिलेशन होते हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इसमें तीन तरह के रिलेशन होते हैं, मास मास रिलेशनशिप, और दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है मास मोर रिलेशनशिप।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, अगर किसी भी एक सब्सटेंस का मैस मालूम हो, दूसरे सब्सटेंस का मैस हम मालूम कर सकते हैं। अगर एक सब्सटेंस का मैस मालूम हो, दूसरे का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक सब्सटेंस का वॉल्यूम मालूम हो तो हम दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। इस तरह थर्ड रिलेशन है हमारे पास मैस मोल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास सब्सटेंस का मैस गिवन हो, हम उसका मोल भी मालूम कर सकते हैं और उसके दूसरे सब्सटेंस के भी मोल मालूम कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास, जैसे और मिसाल लेता हूँ मैं, SO2 O2 ये कंबाइन होकर बनाते हैं SO3। अब आप इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने का तरीका कार क्या है? हाँ जी, बैलेंस इस तरह करें कि यहाँ पे हमारे पास 2 बराबर हो गए। कैसे? सल्फर भी हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे हैं 2, 6 हो गए और यहाँ भी 6 हैं। अगर हमारे पास इसमें से किसी एक चीज़ का, रिएक्टेंट का हमारे पास मैस मालूम हो, हम दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका मैस मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम नहीं है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर एक का वॉल्यूम मालूम है, दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह अगर एक का मैस मालूम है, दूसरे के मोल भी मालूम कर सकते हैं, इसके मोल मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि अगर सपोज इसका एक मैस मालूम है तो इसके मोल निकाल लेंगे, इसके मोल निकाल लेंगे, अब ऑटोमेटिक इसके मोल ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे फार्मूले के जरिए। तो यूं कह सकते हैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस की वैल्यू मालूम हो, अगर वो चाहे मैस है या वॉल्यूम है या मोल है, हम दूसरा सब्सटेंस जो उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, हम उसका मैस, वॉल्यूम, मोल, ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये जो स्टोइकोमेट्री के हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ एग्जांपल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह।